सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। आप सभी का स्वागत है डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की एक फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ ऐसी चीजें देखने जा रहे हैं जो सभी एनडीए एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक है जो इंडियन यूथ एंड फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के कैडेट को काफी टाइम से अट्रैक्ट करती आ रही है। इसने 16 जनवरी 1955 को एनडीए के रूप में उद्घाटन से पहले देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 जनवरी 1949 को JSW यानी जॉइंट सर्विस विंग के रूप में कार्य करना शुरू किया। उस टाइम पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी को आर्म फोर्सेस एकेडमी बोला जाता था और इसी शिफ्टिंग को ऑपरेशन बदली के नाम से जाना जाता है। JSW को उसी बैरक्स में स्थित किया गया था जहां पर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखा गया था। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए खड़कवासला पुणे का चुनाव किया गया क्योंकि वहां पर हिली टेरेन, लेक शोर एंड ऑपरेशनल एयरबेस मौजूद था। नेशनल डिफेंस एकेडमी दुनिया की पहली ऐसी एकेडमी है जहां पर तीनों सर्विसेज के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी को बनाने का मेन रीजन था ये देखना कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए यंग बॉयज को सफिशिएंट टाइम तक ट्रेनिंग देने के बाद क्या वो एक साथ काम कर सकेंगे या नहीं। नेशनल डिफेंस एकेडमी की मेन बिल्डिंग सुडान ब्लॉक उन फंड से बनाई गई है जिसे सुडान गवर्नमेंट ने 1941 में दिया था उन इंडियन ट्रूप्स के सैक्रिफाइस को ध्यान में रखते हुए जब वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे सुडान के लिए लड़ रहे थे। इसका फर्स्ट कोर्स 1949 में 190 कैडेट्स के साथ स्टार्ट हुआ और 8 दिसंबर 1950 में 172 कैडेट्स पास आउट हुए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट्स की ड्रेस का कलर खाकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर हैं, वो एनडीए के 77th कोर्स से पास आउट हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन ने 2004 के ओलंपिक्स जो एथेंस में आयोजित किए गए थे उसमें शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे विंग कमांडर राकेश शर्मा वो भी एनडीए से पास आउट हैं। उनके सम्मान में एनडीए ने राकेश शर्मा ब्लॉक के नाम से एक ब्लॉक का नाम रखा है। एनडीए में टोटल 18 स्क्वाड्रंस हैं जिसे 5 बटालियंस में डिवाइड किया गया है। एनडीए में 28 कंट्रीज के ऑफिसर कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीए पास आउट कैडेट्स में से 3 को परमवीर चक्र और 12 को अशोक चक्र मिला है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बस मेल कैडेट्स को ही ट्रेनिंग दी जाती है। फ्यूचर में फीमेल कैडेट्स एनडीए ज्वाइन कर पाएंगी या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में फीमेल कैडेट्स को ज्वाइन करने की परमिशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए या नहीं? आप सभी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट्स को बीटेक, बीए, बीएससी एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री दी जाती है। पहले एनडीए में बीटेक की डिग्री नहीं दी जाती थी तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम पहले ही बीटेक एनडीए में इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।